एक छोटा शहर ठाकुरगंज। ठाकुरगंज में दशरथ सिंह का एक साधारण परिवार। दशरथ सिंह की पत्नी पति की बेकारी और तंगी से जूझ रही है। लाला जी, इस बार ब्याज में सहूलियत दे दीजिए, बहुत परेशानियां चल रही हैं। ननू के पापा की भी नौकरी नहीं लगी। चमक उठी संसातावन। इनके दो बेटे हैं, एक है मुन्नू जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, दूसरा नन्नू जिसका किताबों से ज्यादा शरारतों में दिल लगता है। काम किसने किया है? साइकिल की हवा किसने निकाली? भैया ने निकाली है। पिताजी गलती हो गई। क्या करे, जब पापा हमारी तरफ देखते हैं हमारे मुंह से सच निकल आता है। अब तुम्हारे मुंह से सच निकल जाता है, लेकिन सामने वाला क्या होता है वो भी तो सोचा करो। 480 हॉर्स पावर का कंटाप मार रहे हैं बाइक तरह। मुन्नू को सच्चाई पसंद है और नन्नू को अपना अंदाज। गेंद की तरह उछलना, पतंग की तरह उड़ना उसका अंदाज है। हम तो टेंशन लेते नहीं है, हमारा टेंशन लेने के लिए हमारा बाप बैठा है ना। अरे नन्नू के पापा, नन्नू के पापा। तभी नन्नू के जीवन में एक मोड़ आया। उसके पिता दशरथ सिंह का देहांत हो गया। पिता के जाते ही नन्नू की किस्मत का एक नया अध्याय शुरू हो गया। जब बेटे के सर से बाप का साया उठ जाता है, बेटे का बचपन भी वही खत्म हो जाता है। अब तुझे भी अपना बचपन छोड़कर जिम्मेदारी से चलना होगा। अपने साथ साथ मुन्नू का भी ख्याल रखना होगा। घर की जरूरतें, लाला का कर्ज, मुन्नू की पढ़ाई, वो एक साथ कई सवालों से घिर गया। और इन सवालों का जवाब था पैसा। वो अच्छे बुरे की समझ और सोच से ऊपर उठकर पैसा कमाने में लग गया। उसके हाथ से हुआ पहला अपराध। फिर एक और अपराध। उसके बाद अपराधों का सिलसिला चल पड़ा और देखते ही देखते नन्नू बन गया नन्नू भैया। नजारा आप देख सकते हैं, यहाँ काफी भीड़ जमा है। आज पीली कोठी के केस की सुनवाई है। पिछले 6 महीने में आज तीसरी तारीख है। पिछले किसी भी तारीख में नन्नू यहाँ नहीं आए हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि नन्नू आएंगे या नहीं आएंगे। उनके चाहने वाले, उन्हें पसंद करने वाले यहाँ जमा है। कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है, कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। पीली कोठी के मालिक आप पहुँचे हैं। काफी सालों से इनका संघर्ष चल रहा है अपनी कोठी को लेके। गगन गुरुजी, आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई का कोई हल निकलेगा? देखिए, आपके सवाल का जवाब तो भगवान के पास ही होगा, लेकिन अपना तो ऐसा है कि मक्खन निकले ना निकले, दही तो मथना ही है। आज हाजिरी जरूर होगी। 10 का 40 10 का 40 नन्नू भैया की आज कोर्ट में हाजिरी जरूर होगी। अरे वो नन्नू है नन्नू, वो अपने से भले चले आए लेकिन अदालत उन्हें खींच के नहीं ला सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं, नन्नू के वकील शिवकांत मिश्रा जी आ चुके हैं और कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और अब ये फाइनल हो गया है कि नन्नू आज की तारीख में भी नहीं आए। अब देखना ये है कि कोर्ट नन्नू की गैर हाजिरी को किस तरह लेती है। महोदय, नन्नू भैया आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके, ये उसकी याचिका है। यह
ये सब नहीं चलेगा। सर वो कोई गदर वाला सनी देओल नहीं है। उसे मालूम होना चाहिए कि ये कोई सिनेमा की अदालत नहीं है, रियल है। हैंड पंप सिनेमा में उखड़ता है, यहाँ अपराधी उखड़ता है, समझे आप? जी सर। अगली तारीख में नन्नू की हाजिरी अदालत में होनी चाहिए, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज की कार्यवाही यहीं रोकी जाती है, अगली तारीख तक। कल सब टाइम पे। क्या है ये? ये क्रिकेट खेलने की जगह है? जंगली कहीं के माँ बाप ने पैदा करके हवाओं में छोड़ दिया है और कीड़े मकोड़ों की तरह यहां रेंग रहे हैं। धरती पे बोझ कहीं के। अरे क्या चाहिए? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई नहीं, घर की बात है। आपको एक आश्रम में रखेंगे जहाँ पर आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। भाई अपनी चार लाइनों की खबर के चक्कर में क्यों तमाशा रच रहे हैं आप? हम आपसे कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं वो सब अफवाह है। अब अफवाह छापेंगे क्या? अरे पापा को तो हम पहले ही गांव भेजना चाहते थे, मगर इस केस के चक्कर में फंसे रहे। अरे हवा पानी बदलेगा, उनका हेल्थ इंप्रूव करेगा भाई। अब इतनी साधारण सी बात को आप सनसनीखेज ना बनाएं। देखिए जब लोढ़ा साहब के बेटे खुद कह रहे हैं कि उनके पिता वहाँ गांव में आराम फरमा रहे हैं, तो तुम लोग क्यों खामखा की जंग जारी कर रहे हो, हैं? अरे हमारे नन्नू को कुछ बुरा करने के लिए तब वक्त मिलेगा जब उसे अच्छा करने से फुर्सत मिलेगी, है ना? साहब जी, इसे जिसे भी चढ़ाएगा ना, पानी मिलाकर चढ़ाना। वो क्या है ना, भैया का खून है। बिल्कुल, इनसे नहीं संभलता तो किसी और से क्या संभलेगा। नन्नू भैया आप इतना सोशल वर्क करते हैं, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, कहीं आप ब्लड डोनेट करवाते हैं, कहीं पे लोगों की शादियां करवाते हैं, लोग आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में क्यों नहीं खड़े होते हैं? नाचने गाने वाले हैं, नाच गा रहे हैं, काहे लाइसेंस देके हमें कोटे बैठाना चाहते हैं? चलिए ओके ओके ओके, लव यू लव यू। एक और पंच लाइन, वाह। नरेश का फोन था, 10 लाख रुपए की रकम घर पहुंचा के आया है गुलाटी ट्रांसपोर्ट से। हमारी बात तो गुलाटी से 20 लाख की हुई थी। बम बम। हाँ भैया। फोन लगा गुलाटी को। हाँ। अरे नन्नू भैया आप मेरी बात सुनो, देखो बिजनेस बहुत ढीला चल रहा है। अरे आप तो मेरे बेटे जैसे हो, आपसे अपनी तकलीफ नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? या तो बेटा बोल लो या गिड़गिड़ा लो, इतनी दिक्कत में हो तो जो 10 लाख भेजे हो वो वापस दिए देते हैं, हमारी बाद में देख लेना। ये लो, ये पकड़ो। पिछली बार मैडम ने पिज्जा बढ़िया खिलाया था ना? हाँ। है ना? हाँ। अरे फालतू खचखच काहे कर रहे हो, कायदे के निकालो ना। एक मिनट रुको, ये दो, ये लो, खड़े हो, एक सेकंड। भैया का फोन है। हाँ, आप लोग बांटो जी। अच्छा, आपको तो थोड़ी सी आंच दी जाए मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हो। ये गुलाटी बहुत पका हुआ है। हाँ? रोना रो दिया होगा आपके आगे। कारोबार में इतनी तकलीफ चल रही है तो दो ने ट्रक कहाँ से ले लिए? अरे थोड़ा दुनियादारी को समझो, उम्र हो रही है, 8 साल की बिटिया के बाप हो आप। चलिए ठीक है, एक बात बताओ। जी भैया। ये गुलाटी के स्वर्गवासी होने के बाद उसके घर में मुंडन करवाने वाले कितने लोग?
कोई नया सीन लग रहा है, सिनेमा जैसा है। क्या कहते हो बम बम भैया? अद्भुत। ये लो 10 लाख रुपए, सेवा सदन पहुंचाओ। बाल पहले ही मुड़वा दिए हैं, अब वो करेंगे हत्या तुम्हारी। नोटिस भिजवा है समझो, जाओ। जी जी करवा दे। जी ओके। अरे अबे चलना, अबे अरे देख के गाड़ी नहीं चला सकते, दिमाग खराब है? तुम तो हमें सुट्टेबाज और नशेड़ी समझकर कोचिंग से बाहर निकाल दिया। समाज में बड़ी फजीहत हो रही है हमारी, पिछले 3 महीने से हम बस उबल रहे हैं। चलना। अरे गलती हो गई भैया। क्या बोल रहे थे भैया? हाथ क्यों उठा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ना भैया। गलती हो गई भैया। क्या कर रहे हैं भैया? बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे? अरे छोड़िए भैया, भैया क्या तमाशा कर रहे हैं? क्या बोल रहे थे फिर से? हमारे मामले में मत पड़िए ना। अरे जाने दीजिए ना भैया। क्या छोड़ दीजिए भैया। लेके जाओ इसको अस्पताल, देखो कोई इंटरनल डैमेज ना हो गया हो। 2-4 रात ज्यादा पड़ गया जोश में। ओए रिक्शा। अरे मैंने पहले तुझसे बोला था मत उलझ उससे, नन्नू का भाई है वो। हमें क्या पता, सब तो यही कहते हैं कि भाइयों बनती नहीं है। बनती नहीं है मतलब? अबे दोनों सगे भाई हैं। हम भैया को रोकते रहे लेकिन सुनते कहाँ हैं, मार मार के खून निकाल दिया उसका। ए नन्नू आगे से गार्ड बांध ले, तू इसकी झंझटों में नहीं पड़ेगा है? देख कह दिया मैंने। अरे जब कहीं किसी गली नुक्कड़ पर 2-4 गुंडे उंडे उसके हाथ पैर तोड़ कर कहीं डाल देना, फिर पहुंच जाना तुम एम्बुलेंस लेकर हैं? अरे सुन ले इसकी, अच्छा नहीं लगता बार बार यही कहता है। चलिए ठीक है, आइंदा से इनके मामले में दखल नहीं देंगे हम, आज से अपना अपना रास्ता देखेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ जी 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 बोलिए। अरे ऐसी बात नहीं है, हाँ हमने आपके लड़के के एडमिशन के लिए मना किया क्योंकि परसेंटेज के साथ साथ हमारे यहाँ पर टेस्ट भी होता है और आपका लड़का उस टेस्ट में फेल हो गया। अरे तो ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? अरे तो बदतमीजी से बात करेंगे? अरे हम जब आपको बोल रहे हैं कि भैया फोन दीजिए हमारा। हाँ भैया कौन बोल रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं ना। अरे आप कोई गुंडे उंडे अंतरी मंत्री संतरी कौन है आप? आप जानते हैं मुन्नू किसके भाई हैं? फोन नन्नू के। फोन क्षमा याचना के साथ कल पीली कोठी पे हाजिरी भरिए, समझ रहे हैं? वरना हम सिर्फ खोद के निकालते नहीं है, खोद के निकाल के फिर गाड़ देते हैं। अरे फोन दीजिए यार हमारा। क्या कैसे कैसे लोग हैं तुम? क्या भाभी समझाइए ने, अभी माँ के सामने बोला कि हमारे मामलों में नहीं पड़ेंगे और फिर सुधारते क्यों नहीं है आपने? देवर जी वो तो सुधर नहीं सकते, आप ही थोड़ा बिगड़ जाइए ना। आप लोग ना सब मिले हुए हैं, आप पीजिए चाय मजे लीजिए, हमें नहीं पीना। अपना गिफ्ट लिए बगैर नहीं मानोगी? प्लीज चाचू, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ जी चाचू, टाइम के साथ चलो, टाइम के साथ, नहीं तो टाइम भी आपका साथ छोड़ देगा। अच्छा दादी माँ। हाँ पापा की तरह कभी हीरो नहीं बन पाओगे, ऐसी साइड हीरो में ना जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन कहानी में साइड हीरो भी लगता है ना। किसको देख रही है मैडम? मेरी मम्मा ना आपसे ज्यादा खूबसूरत है। आपको पता है गिरीश अंकल मेरे फ्रेंड के पापा हैं, आप उन्हें 50,000 रुपीस डिस्काउंट दे देना। अरे हाँ हाँ बेटा कहाँ ना हो जाएगा। अरे ये क्या कर रही है, मेरी घड़ी क्यों ले रही है? अरे 50,000 रुपीज का डिस्काउंट कराया तेरे लिए और तू 200 रुपए की घड़ी के लिए मुंह बना रही है, डबल कराओ पैसे। नहीं वैसे बहू हम जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं वो है क्या? सांस्कृतिक सम्मेलन है अम्मा, नाच गाने का प्रोग्राम।
महिला मंडल की ओर से चीफ गेस्ट हैं हम लोग, फिल्म और टीवी के लोग भी आ रहे हैं, और वो जो नागिन में नागिन बनती है ना, हा? वो भी आ रही है। क्या कह रही हो? हाँ। अरे मैं पहले क्यों नहीं बताया, थोड़ी लिपस्टिक और मल दूं। अरे आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। कुंदन गाड़ी चलाओ। बहू हम तो उतरे ही नहीं। माँ इन्हें अक्ल ही नहीं है मेहमान नवाजी की। अरे विशेष अतिथि बुलाए हो, गाड़ी का दरवाजा खोलकर इज्जत दो उन्हें। हम क्या खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरेंगे? हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। अम्मा रंगबाजी बनी रहनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। प्रोफेसर साहब, अरे दुनिया भर को पढ़ाते हो, तीन किताबें अपने भाई को भी पढ़ा दो, हमारी कोठी पे कब्जा करके बैठा है। अरे हमारे बाप दादा के खून पसीने से ईंटें लगाई है उसमें। बाप दादा सर आइए, और भी काम है हमको। हाँ आइए। सरू बदतमीजी से बात कर रहा था और तो आप उसे थप्पड़ मार दिए, कट्टा होता तो गोली मार देते। सर यंग स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं हम में तो और पेशेंस होनी चाहिए। सर 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 प्लीज सर, इस इंस्टीट्यूट में आपकी सेवा यहीं तक। अरे भाई क्या हुआ? अरे वीडियो साहब कहाँ हैं? टेंडर कब खुलेगा? वीडियो साहब को कॉल लगा तो रहा हूँ, उपलब्ध नहीं है बता रहा है। चलो चलो, टेंडर भरने की प्रक्रिया खत्म हुई, एक दूसरे के गले लगो और वीडियो साहब का मुंह मीठा करो। जाओ भाई। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हाँ हमने कोशिश तो की लेकिन हम हार गए। जब उसने चैन खींचा तब जमीन पर गिरे और आँख के सामने अंधेरा छा गया। बच गए नहीं तो ट्रक के नीचे आ जाते। पानी कब पिए हो? एक घंटा पहले पिए हैं। कितना पानी पिए हो? एक गिलास पानी पिए हैं। तो इसका मतलब उसके बाद पानी नहीं पिए हो? हाँ नहीं पिए हैं। ठाकुरगंज के आसपास का 150 किलोमीटर का एरिया जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। अगली बार धरे गए ना तो कनपट्टी पर टिकाएंगे नहीं, सीधा दाब देंगे। बट मैडम आपने स्टोर से पानी पीने के बारे में क्यों पूछा? अरे भाई किसी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखने से पहले पूछ लेते हैं, कहीं मुंह दे तो। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? हम तो मेरे सबसे लेने लेते। सुनो तो, अरे क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? हमारी बात तो सुनो। हम नहीं ले जाने देंगे, बात करो अपने बॉस से। कौन है तुम्हारा लीडर? अरे रुको, कौन है तुम्हारा लीडर? अरे सड़क पे खड़ा कर रखा गाड़ी। क्या कर रहे हैं? नो पार्किंग का बोर्ड है, स्कूटी लगा रखी है। नो पार्किंग है तो कहीं बोर्ड तो लगाना चाहिए। नो पार्किंग है, नो पार्किंग। अरे ऐसे कैसे, छोड़िए इसे। चल चल, नन्नू का भाई है। नन्नू का भाई है मतलब? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत मदद कर दी सही टाइम पर आके। हमने तो देखा ही नहीं है, नो पार्किंग का बोर्ड ही नहीं है। आपकी शक्ल कुछ पहचानी सी लगती है, आप वो प्रोफेसर साहब है ना, जय हिंद कोचिंग सेंटर वाले? जी हाँ। हम सुमन है, जय संतोषी माँ क्रिएशंस, वो हमारी एड एजेंसी है। ओके। आपने सुना है? नहीं हमने सुना तो नहीं है। वो असल में अभी शुरुआत की है ना हमने, हमसे हाथ मिलाइए अपना कारोबार बढ़ाइए, टैगलाइन है हमारी। जी हम चलते हैं। सुनिए वो आपका बिजनेस कार्ड मिलेगा। हाँ हाँ। हम एड्स बनाते हैं ना, ये लीजिए। हद है, कितनी मुश्किल से डॉक्टर स्थाना का समय लिया था मैंने और आप वहाँ पहुँचे ही नहीं। आपको पता है ना आपका चेकअप कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ चले गए थे आप? अरे बेटा मैं आ रहा था लेकिन वो रास्ते में शर्मा जी नुक्कड़ के होटल वाले वो मिल गए, बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे थे, बोले ऐसा चलो। मैंने कहा चलो, क्या सुना? झूठ मत बोलिए आप, कौन सी पिक्चर देख के आ रहे हैं? पिक्चर? कौन सी पिक्चर? सदरी के जेब से फिल्म की टिकट मिली है मुझे, बोल दीजिए आपकी नहीं है। इसी शौक के वजह से आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक शो देखिए, दो शो देखिए, जितने देखने उतने देखिए, लेकिन अपनी सेहत का तो कुछ ख्याल रखिए। कल को बीपी शुगर के वजह से कहीं रोड पे गिर गए, लोग टांग के ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या आपको? अरे कोई फिक्र नहीं, अपना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। तू तो बोलती ही चली जा रही है। देख मैं बताता हूँ तुझे, वो रामचरण के लड़के ने जान बूझ कर वो टिकट मेरी जेब में रखी होगी ताकि मुझे तुझसे डांट पड़े। बातें मत बनाइए आप।
अरे किसी शौक के बिना कोई हद होती है। उस दिन शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए लाठियां खा रहे थे लफंगों के बीच खड़े होकर। जी हाँ, और सलमान खान की वो कौन सी मूवी थी, बजरंगी भाईजान। वाह, उसके लिए 4 घंटे धूप में खड़े थे। बजरंगी भाईजान नहीं, वांटेड। मैं कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब सेंटर चल ही रहा है तो फिर हमें विज्ञापन की जरूरत ही क्या है। और यहाँ पर सिर्फ हमारा ही नहीं है, सबका कारोबार भरोसे पर ही चलता है। वो चौराहे पे लाला जी, आसपास के 8-10 गांव के लोग बरसों से उन्हीं से साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अभी विज्ञापन की जरूरत पड़ी नहीं। एक बात कहें, अगर आप बुरा ना माने तो, आपका ये जो एड एजेंसी वाला आइडिया है ना, ऐसे छोटे शहरों के लिए सही नहीं है। आपको कोई और लाइन पकड़नी चाहिए। बस बस हो गया। अरे कमंडल में कुछ डालना नहीं है तो मत डालो, कमंडल तोड़ो तो मत, एड में हमें काम नहीं देना है तो मत दो। हमें ये कैसे बोल सकते हो कि हमने कुछ बुरा सोच लिया है, कि हमारे शहर में कोई फ्यूचर नहीं है। अरे बड़े बड़े शहरों में जो झंडे गाड़ते हैं ना, वो छोटे शहरों के ही होते हैं, और बड़े सपनों की शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे हमारी हो रही है, धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं। तुमने भी तो 2 कमरों से शुरुआत की थी, आज 14 कमरे बनवा लिए। ऐसे ही होते होते बनते बनते हो जाता है। एक तो हमारा मूड वैसे ही ऑफ था, पिताजी फिर वहाँ से खिसक गए मूवी देखने, और ऊपर से तुमने हमारा मूड और ऑफ कर दिया। अब हमें कॉफी पिलाओ। और जी, सुनो, हम सैंडविच भी खाएंगे जी, और हम सिर्फ चीज वाली सैंडविच खाते हैं। हम खुद ही लेकर आते हैं। आप रोज मंदिर आती हैं? हम सिर्फ मंगलवार को आते हैं, पूजा पाठ के अलावा और भी बहुत सारे काम है हमारे पास। अच्छा सुनिए, आई एम सॉरी। कौन सी बात के लिए? वो आप ऑफिस आई थी तो शायद हमने कुछ ज्यादा बोल दिया। हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर हमने सोचा जिन लोगों के हौसले कुचले जाते हैं ना, मंजिल भी वही पाते हैं। अच्छा सुनिए, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है सिंह इंफ्राटेल, आप वहां पे जाके क्यों नहीं मिलती? हम मिस्टर मोहित्रा को जानते हैं तो शायद कुछ काम बन सकता है वहां पर। आपको नहीं जाना है तो नहीं, नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैंने 2 गवाह तैयार कर लिए हैं सर, देखना आप इसी तारीख में ये केस ढीला पड़ जाएगा। और पता है तारीख क्या मिली है सर? 9। और आप तो जानते हैं सर कि 9 मेरा लक्की नंबर है। वो तो सब ठीक है सज्जन सिंह, लेकिन बहुत दिन हो गए तुम्हारा पैकेट नहीं पहुंचा है। अरे सर, वो टेंडर वाले काम का 30 भिजवाया तो था, मेरा मतलब है मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकी 20 का भी। आपका 50 हो जाएगा। 50 नहीं, 70 करो तुम, 7 नंबर मेरे लिए लकी है। 40 का इंतजाम और करो, क्लब का काम भी रुका हुआ है। मैं इस क्लब की ओपनिंग अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर ही करना चाहता हूँ। जी हो जाएगी सर। तुम्हें जिस समंदर में उतारा है, तुम्हारे आसपास छोटी मछलियां नहीं है, ये हम भी जानते हैं। आपने यहाँ का अदालत तो खरीद लिया, लेकिन ऊपर भी एक अदालत है, आपको जवाब देना होगा। हम गरीबों की हाय लगेगी बद्री पाठक, जो जमीन तुमने हथी आई है उससे बच्चे पाले थे। भगवान तुम्हें हमारा टुकड़ा छोड़ दो, हम तो बुढ़े बुढ़िया हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, जमीन चली गई तो हम मर जाएंगे सारे। मानना पड़ेगा पाठक साहब आपको, कि किसी के दुख फरियाद, किसी के आंसू, वो किसी के गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ता आप पर। कभी कभी तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि इन गरीबों से आप थोड़ा थोड़ा चिढ़ते भी हैं। सही कह रहे हैं सक्सेना साहब। और आप इनके लिए दुआ भी करते हैं कि इनकी खूब तादाद बढ़े। सक्सेना साहब, गरीबों की तादाद बढ़ेगी तभी अमीरी का कद बढ़ेगा। क्या जबरदस्त लाइन आपने कही है। जबरदस्त लाइन है ना? यस सर। कैसे नहीं होगी जबरदस्त, बाबा साहेब की लाइन है। और अब आज के दंगल का जबरदस्त मुकाबला, वीरगंज और ठाकुरगंज के पहलवानों के बीच जबरदस्त मुकाबला,
और ये मुकाबला शुरू हो गया है। ठाकुरगंज ने वीरगंज पे शिकंजा कस लिया है और वीरगंज पे भारी पड़ रहा है और ये वीरगंज में नया दांव चला कि भारी पड़ सकता है ठाकुरगंज के लिए। वीरगंज ने ठाकुरगंज के पहलवान को चिट कर दिया है। है कोई माइकल लाल जो इस शेर से भिड़ेगा? हाँ, है कोई माइकल लाल ठाकुरगंज में? ठीक किया है लखन यादव, बाकी के पहलवानों को ललकार रहा है। और ये क्या, ये क्या? बाबा भंडारी खुद बेटा सिद्ध पहलवान के बड़े वाले हो, सही पहचान है ना? हाँ बाबा साहब। वाह, पहलवान लखन यादव को, ये तो कमाल हो गया। एक ही दांव में वाह बाबा साहब, मजा आ गया। उसने ठाकुरगंज का नाम लेकर ललकार कर दिया, आप उठे और उसकी औकात याद दिला दी। अरे देखो, ललकार बलकार तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा था कि बेटा साल में एक बार एक पहलवान को पटकनी जरूर देना। तो अब साल ससुरा खत्म होने को आ रहा था, अब ये सामने आ गया तो हमने कहा इसी को पटकनी दे देते हैं। हाँ, जीते रहो जीते रहो। प्रणाम पिताजी। हाँ प्रणाम। हाँ जीते रहो जीते रहो, बड़े बनो पराक्रमी बनो जी। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था? हाँ चाचा, आपके आशीर्वाद से काम हो गया है। तुम्हारा काम हो गया जी, तो भाई अब हमारा काम करो। है सुनो, जब हम यहाँ आए तो इन लोगों के साथ तुम काहे खड़े हो गए थे भाई? जी वो नहीं नहीं, दामाद हो तुम हमारे, तो कुछ तो दामादों वाली ठसक रखा करो। जी जी। अरे देखो अपने बाएं देखो, हमारी छाती पे बैठे हैं नन्नू साहब। अबे हमारे बाप दादा की खून पसीने की कमाई पे कुंडली जमा के बैठे हो, बस में हो जाओगे साले। अबे अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा? अरे भगाओ, गोली चला रहा है साला, भगाओ। अरे गोली नहीं चली है साहब, टायर फटा है। अच्छा, अरे तुम्हारा तो टायर फटा है, हमारी तो। मम्मा पापा हमेशा दोपहर का सूरज क्यों बनाते हैं? मैंने उन्हें बोला था सनराइज बनाए, वो आँखों को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दोपहर का सूरज बना दिया। ये देखो मम्मा। तुम्हारे पापा ने जब से होश संभाला है उन्होंने दोपहर का सूरज ही देखा है बेटा। देखिए 16 लाख की रकम इज्जत से बैग में पड़ी है, आपसे निवेदन है कि अपने सिपाही को आदेश देके उठवा लो। अरे 16 लाख की दक्षिणा काहे तुम्हारे हमारे हाथ में है? देखो नॉलेज में सब रखते हैं हम, खाली गल्ला मंडी से पेट्रोल पंप से महीने का 20 लाख उठा रहे हो तुम। अरे उठा रहे हैं तो अपने नाम और पावर की उठा रहे हैं ना, कोई छीना छानी तो नहीं कर रहे हैं? रकम लेके कोठी पे आते हैं लोग, दंडवत भी करते हैं, और ये नाम और पावर तुम्हारे सरकारी महकमे से नहीं मिली है हमें। बहुत जूझे हैं इसके लिए, लड़े हैं, खपे हैं, 5-7 को गिराए भी हैं, 2-4 हमारे भी गिरे हैं। इतने बड़े अधिकारी हो, एक अपराधी के सामने झुक के काहे अपनी पोजीशन डाउन कर? चुपचाप पैसा उठवा लो वरना चला जाएगा भंडारे में, 5,000 लोग रोटी खाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है, एक काम करो 18 कर दो। 8 और 9 कहा है कि 9 हमारा लक्की नंबर है। फरियाद कबूल, मगर कायदे की जगह लगाइएगा इस पैसे, इसमें शक्ति का संचार होता है जो शरीर में जाके रेंगता है और विस्फोटक भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। सिंह साहब आपकी यही बात हमें विशेष लगती है। कौन सी बात? यही कि आप अपराधी की भी सुनते हैं। ठेकेदार से बात हो गई है, अब तुम एक काम करो, तुम भेजो सिपाही और अपने हिस्से का 7 लाख मंगवा लो। तहसीलदार तक की जहां बात है तो उसका हिस्सा तो उसको मिल ही गया ना। बाबा साहब वो अगर 9 लाख करवा देते तो अच्छा रहता, 9 इज माय लक्की नंबर। ये कैसे भूल गए भाई हम, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम जरा नन्नू से थोड़ी दूरी बना के रखो, समझे? नहीं क्या है, ज्यादा उसकी सुनो अपनी कम चलाओ, वैसे भी उसके हौसले का दरिया इस वक्त तूफान पे है, पास जाओगे डूब जाओगे।
तो बेहतर ही है। ख्याल रखना अपना। चलो और हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, हम बहुत नर्वस हैं। मिस्टर मोइत्रा ने बोला है कि ये प्रेजेंटेशन मुंबई का कोई पैनल देखने वाला है। इतना बड़ा काम हमारे हाथ में और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ना हमने कभी कोई बड़ा काम किया है, ना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है। देखिए, हमारे हिसाब से कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। काम तो सिर्फ काम होता है। जंग लड़ने से पहले जंग लड़ने के डर से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके फतेह होती है। एक काम कीजिए, शांति से बैठिए, सांस लीजिए और फिर प्रेजेंटेशन पे काम शुरू कीजिए। जय संतोषी मैया, कोई बढ़िया सा आइडिया दे दो। आप लोगों ने जो नई लिस्ट बनाई है उसमें मैंने देखा थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज उसे करेक्ट करके नए बैच की तैयारी कीजिए। थैंक यू। हाँ शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे? पता है मेरा प्रेजेंटेशन अप्रूव हो गया और मुझे 50,000 का चेक भी मिला है। अब आप लोग स्टाफ रूम में चलिए, हम वहीं पर आते हैं। सॉरी, वो हम इतनी एक्साइटमेंट में थे ना, हमसे रहा ही नहीं गया। मुन्नू, हमारे लिए ना ये सब कुछ एक सपने की तरह है। हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं। यूं ही होते होते बनते बनते हो जाता है। वेरी स्मार्ट। बातों में चलने लगा जादू तेरा।
किसी डोर चले रे पिया। जहाँ भी जाऊँ मैं तुझे ही पाऊँ, मैं तू हर जगह मेरे साथ है। बाबा साहब, बल्लू थापा, हमसे यही शिक्षा लिए हो तुम कि बिना पूछे हमारे हाथ में फोन थमा दो, और वो भी बल्लू थापा का। मोरख। प्रणाम बाबा जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी हैप्पी हो। जीते रहो, खुश रहो पराक्रमी बाबा। और सुनाओ, का हाल चाल है? बस आनंद है, उत्तम आनंद है बाबा जी। तुम्हारे पास से स्त्री सौंदर्य की खुशबू आ रही है, है? कौन सी कंट्री की अप्सरा के साथ बैठे हो भाई? ये टाइम रूसी है। अच्छा, पिछली बार तो तुम किसी जर्मनी वाली को टहला रहे थे, वो का हुआ? अरे नटारत लापता भाग गई, सोना जेवर अंगूठी अंगूठी सब लेकर, चतुर चिड़िया थी। अच्छा अब एक काम की बात सुनो, तुम अब बाहर की हवा ही खाते रहो, जब यहाँ की हवा ठीक होगी तो हम बुला लेंगे तुमको, ठीक है? फोन रख। अरे बाबा जी थोड़े पैसे मिल जाते अगर। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे, फोन कर देंगे, 2,00,000 रुपए उठा लेना, ठीक है? 2,00,000 नहीं, अब 3,00,000 तो कर दीजिए। अच्छा ठीक है, 3,00,000 उठा लेना, बस चलो रखते हैं। जय हो, जय हो, जय हो बाबा जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इनका प्रणाम जो है 3,00,000 रुपए का पड़ गया। जय हो बाबा साहब की। जीते रहो पराक्रमी भाव। बाबा साहब आओ नन्नू, लो भैया, जीते रहो जीते रहो। मेरा जो वाह बाबा साहब, हमें एक हाथ से आशीर्वाद, उन्हें दोनों हाथों से, अभी ज्यादा प्रिय हो गए आपके। तुम्हारा सवाल और तुम्हारी शंका दोनों ही बेबुनियाद है बद्री। अरे भला कोई इंसान कह सकता है कि उसके दो चक्षुओं में से सिर्फ एक चक्षु परम है? बाबा साहब की जय। बाबा साहब की जय। ये फोन बंद करो, समझे? बड़े बैठे हैं, बदतमीजी पर तुले रहते हो हर वक्त। रहने दीजिए बाबा साहब, काफी हो गई है। अरे ये भैरव का प्रसाद है नन्नू, भैरव का प्रसाद, जितना पियो उतना अच्छा। नन्नू हमरी एक बात मानो, आज तुम आओ पियो। अरे नहीं नहीं बाबा साहब, नहीं, हम गुरु हैं तुम्हारे। अरे बिल्कुल आप गुरु हैं, लेकिन हम नहीं। ठीक है, ढंगे की बेढंगे, लेकिन हैं तो गुरु ना। अरे आप ही ढंग के गुरु हैं, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, आप हमें बताइए क्या क्या हुआ, क्या है? हमरे दिल पे लगी है,
घूंसा पड़ गया। नहीं अच्छा अच्छा, घूंसा मारा अपने नहीं है, अच्छा किया। हम समझे नहीं, क्या हुआ, क्या है? नहीं कुछ नहीं हुआ, हम बाजार में थे, गाड़ी हमारी खराब हो गई थी, तो तुम्हारे छोटे भाई मुन्नू मिल गए। बेटा मुन्नू, तुम में से नन्नू की खुशबू आती है, हम तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि किसके साथ बैठे हैं, नन्नू के साथ कि मुन्नू के साथ। बड़ा परम शिष्य है वो हमारा, नन्नू एकलव्य है हमारा। बाबा साहब आपसे एक सवाल पूछें? ना पूछो ना। गुरु वो होते हैं ना जो शिष्य का भविष्य बनाते हैं, उनकी जिंदगी बनाते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं। लेकिन आपने तो भैया को ऐसी राह पे डाल दिया जहां पे ना उनका कोई भविष्य है ना जिंदगी। तो फिर बहुत करारा तमाचा था। नहीं तुम दिल पे मत लगा रहा नन्नू, अरे जाने दो, है तो बच्चा ना, लेकिन तमाचा बहुत सही मारा, सटाक। देखो खैर, अरे अरे इधर सुनो, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि बाबा साहेब से जरा तरीके से बात किया करो, तुम तो जानते हो उनकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में, देवता की तरह रखते हैं हम उन्हें, अगर उन्होंने हमारी जमानत ना दी होती तो इतनी बड़ी घटना से बचाया उन्होंने हमें, आगे से यह भूल होनी नहीं चाहिए, और अगर करोगे तो सीधा हमारी आत्मा पर प्रहार करोगे। बोला कम है, याद ज्यादा रखना। सुपर मार्केट की दुकानों पर कब्जा हो गया है, बद्री पाठक ने इनकी दुकानें बेच दी। नन्नू भैया हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जिंदगी भर की पूंजी लगी हुई है इस दुकान में। हम तो घर के जेवर बेच के पैसा भरे थे भैया, हमने तो अपने दामाद से कर्जा लिया था, अब आप ही बताएं हम अपनी बिटिया से कैसे आंखें मिला पाएंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि बद्री पाठक के साथ थोड़ा सावधानी से चलो, ये साला कब अपनी बात से पलटी खा जाएगा कुछ पता नहीं, अगर उसी दिन पक्की रजिस्ट्री करा ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये उन पांच दुकानों के कागजात हैं जिन पे हमारा करार हुआ था, इन पे साइन कर दीजिए और मामला पक्का कीजिए, दोगलापन आप कर रहे हैं, मार्केट में नाम हमारा खराब हो रहा है। पांच दुकानों पे मालिकाना हक। अबे दलाल हो, दलाल की तरह रहो, मालिकाए बनना चाह रहे हो? अच्छा समझा, ये लो 50 लाख हैं। अब तो हम मालिक बन के ही दिखाएंगे, 10-20 दुकानों के नहीं, पूरे सुपरमार्केट के, और फिर तुम्हें जो मिलेगा नन्नू की मेहरबानी से मिलेगा। चलो चलो बंदा।
सामान अंदर। अरे भाई ये बाजार कब तैयार हो गई? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अरे साहब ये सब नन्नू की लीला है। नन्नू की? नन्नू वो है जो रेगिस्तान में पुदीना पैदा कर दे। हाँ जी। गर्म जलेबी खाइए। दुकानदारों से 10-10 लाख रुपए बढ़ाकर लेना, तब चाबी देना। ये वहाँ रोटी कमाने वाले नहीं है, ये इन्वेस्टर्स हैं। दाम जैसे ही बढ़ेंगे ये लोग दुकानें बेच डालेंगे। सुन रहे हो ना? हाँ सुनो। और सुनो शाम को घर जल्दी आ जाना, अम्मा और लाली को बाहर खाना खाने जाना है। ठीक है। और हम क्या बोले? और यही कि 10-10 लाख रुपए लेके चाबी देना। और क्या? नमस्ते भैया। धन्यवाद भैया जी। प्रणाम भैया। राम राम साहब। रुको अभी। बिना हमसे बात के तुम वहां दबिश के लिए कहां पहुंच गए? जी वो नन्नू ने रातों रात मार्केट पर अवैध कब्जा कर लिया है, उसी की कार्रवाई के लिए आए थे। कार्रवाई को मारो गोली, तुम हमारी सुनो और फौरन वहां से निकलो। नन्नू के 50 लाख की रकम यहां पहुंच चुकी है। क्लब का काम उसी की मेहरबानी से चल रहा है। मगर सर ये अगर मगर छोड़ो, सीधी सी बात है, जो हमारा ख्याल रखेगा हम उसका ख्याल रखेंगे। 13 साल की नौकरी में समझ नहीं पाए हो? समझ गया सर। तुम ये पाठक और अंडारी वंडारी छोड़ो, सीधे नन्नू का हाथ पकड़े रहो बस। चलो। कहाँ चले सर? मीना बाजार के रंगीन गलियों में ले चलो, आज थोड़ा मन बहलाना है। ओके सर। पुलिस स्टेशन चलो। जी जी सर। देखो भाई हम तो एक ही बात जानते हैं, धंधा कोई भी हो चलता जबान पे है। और तुमने जबान दी थी कि तुम 5 दुकानें नन्नू को दोगे। नहीं हमको कागज नहीं दिखाओ, समझ गए? नहीं, धंधा जो चलता है वो कागजों और हस्ताक्षरों पर नहीं चलता है, जबान पर चलता है। और तुम जबान से मुकर रहे हो। जी चलो नन्नू, बद्री को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम उस मार्केट में से 20 दुकानें इनको देके मामले को रफा दफा करो। आपने कह दिया बाबा साहब, समझिए काम हो गया, 20 दुकानें इनकी। ठीक ठीक। मगर हम ये कैसे मान लें कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है? नहीं तो तुम का चाहते हो, ये का करें? कुछ नहीं, अपने दोनों कानों को हाथ लगाए लें बस। ठीक है भाई तो लगाओ हाथ कानों को। लेकिन बाबा। अरे लगाओ। हमेशा की तरह आपके हुक्म का पालन होगा। चलते हैं। ये ननुआ कुछ ज्यादा उछाल नहीं मारने लगा बाबा? क्या गलत कर रहा भाई? कौन उछाल नहीं मारना चाहता है? तुम तो मारना चाहते हो। ननुआ उछल रहा है तो क्या गलत कर रहा है? जाते जाते पैर भी चूके नहीं गया, इसमें भी कुछ गलत ना है। बम बम, कौनो कायदे की लड़की ढूंढो। हम सोच रहे हैं अगले साल घोड़ी चढ़ाई देते हैं। अरे भैया आप भी न कैसी बातें कर रहे हो। तुम काहे गुलाब हो रहे हो बे? हम तो रियाज की बात कर रहे हैं।
सुबह भैया का चेहरा देखा तब जाके मन हल्का हुआ। समझ में नहीं आता क्या करूं। भैया की वो दुनिया, उस दुनिया के लोग हमेशा एक डर सा बना रहता है। कौन सा पराक्रम दिखा रहे हो रामबनी? अरे दादा ये हमको आग दिखा के बात कर रहा है। दिखाओ जरा। अरे ये आग दिखा नहीं रहा है, इसका आंख ही ऐसा है। चल निकल सब लोग यहाँ से, खत्म तमाशा, चल जा रामबनी। हाँ दादा। तुम जिस पे हाथ उठा रहे थे उसका हैसियत का है? अरे चपरासी है दादा। और तुम कहा हो यहाँ पे? अरे हम तो मैनेजर। रामखोर, थप्पड़ गाल की हैसियत देख के मारा जाता है, समझा? ऐसे छोटे मोटे लोगों पे हाथ उठाता रहेगा ना तो पुटपुटिया पटाखे की तरह पुटपुट करता रह जाएगा, बॉम्ब कभी नहीं बन पाएगा। ये हमारी नहीं, बाबा जी की लाइन है। एक बिटिया है मेरी बाबा साहब, अब उसका हाथ ऐसे कैसे किसी अहरे गहरे के हाथ में दे दिया जाए। मेरी हिदायत के बाद बिटिया ने उससे दूरी तो बना ली है, लेकिन वो लौंडा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब कच्ची उम्र है, डर तो लगता ही है, कहीं उसको बहला फुसला कर मुझसे दूर न कर दे। सुनिए मेरी बात, अगर उसने ऐसा वैसा कोई भी गलत कदम उठाया तो भूल जाएंगे हमारी कोई बहन भी थी, बहुत बुरा कर देंगे, बता दे रहे हैं। क्या करेगा तू? गोली मारेगा अपनी बहन को? गोली मारेगा? गोली मारेगा? माफ कर दीजिए बाबा साहब, माफ कर दीजिए। क्रोध में पहले कर जा, फिर आत्मा पे संताप लिए घूम। अरे हड़बड़ा काहे रहे हो? अरे कौन भाग के शादी कर रहा है? आपकी बिट्टिया लता और मुरली। ये शादी हो कहाँ रही है? शुक्लाम्बर धरम देवम सचिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदन मधारित चंद्रोपसांतरे। फेरे पूरे हो गए थे? पूरे हो गए थे। बहुत प्यार करते हम तुमसे, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी लता ने तुमसे बहुत प्यार किया। सपने में कभी आती है जी, उसे माफी मांगना, बोलना अपराधी है उसका बाप। हमका माफ कर दे। अरे अरे देखो 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 पीछे उधर बाएं देखो। अरे रोज देखते हैं साहब। छाती पे बैठा है हमारी, छाती पे। अबे हमारे बाप दादा के हाथों की बनाई हुई कोठी है ये। बंदूक के जोर पे बहुत भरोसा है तुझको। अबे दुनिया जीत लेगा क्या? अबे अहंकार तो रावण तक का नहीं रहा तो ये क्या चीज है? अरे सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो क्या? नहीं ले लो, फिर टायर फट गया तुम्हारा। साहब टायर नहीं फटा है, गोली चली है। गोली? गोली
अरे तो रुक काहे गए हो, मरने के लिए? भगाओ भगाओ। भैया जरा मीठा कम डालो। आप लोग ऐसी बिना लाइसेंस के पस्ती करते रहोगे? यार शादी वादी करने का भी इरादा है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। ये हमारी भतीजी है लाली, आप ही निकालिए। बहुत सही टाइम पर सगाई किया है देवर जी। 4 दिन बाद होली है, हम अपनी देवरानी के साथ बनाएंगे, क्यों? हाँ? जा मेरे पास, इधर धमाका करेंगे हम होली के इस त्योहार में। आ जाओ सारे साथ में, हम मिलके झंडे गाड़ दे। आ जाओ सारे साथ में, हम डूब जाए गुलाल में। क्यूट क्यूट फेस देना
राजस्थान में नकल कराने का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। नकल कराने की एवज में विद्यार्थियों से लाखों रुपए की वसूली हो रही है। तुम्हारे सब्जेक्ट हैं चार, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है? 1,00,000 रुपए निकालो चलो। अरे भैया जी, इतना रखिए ना, बाद में इंतजाम करता हूँ बाकी का। अबे कोटा पूरा हो रहा है, सिर्फ 3 लड़के चाहिए, जल्दी करो इंतजाम। जल्दी करता हूँ भैया। क्या नाम है? स्वागत है आपका। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, ये गलत है। मैं नकल नहीं होने दूंगा। अपने 27 साल के करियर में मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया, और तुम लोग डरा धमका करके मुझसे गलत नहीं करा सकते। हम क्या कहे थे? क्या कहे थे? बैठ जाइए। क्या बोले थे हम? साला जूते का लेस खुला लेके घूम रहे हो, सड़क पे घूमते पाँव फंस जाएगा, गिर जाओगे, ट्रक के नीचे आ जाओगे, घटना की चर्चा होगी, नाम हमारा खराब होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, कल एक लौंडे के सर पे गोली मार दिए। ठीक से बात पता का है? कहे बराबर कंघी नहीं किया था वो। हाँ भाई साहब, आप भी कुछ कह रहे थे। बच्चे हैं, अरे नकल वकल मार के निकल जाएंगे और क्या, रोजी रोटी में लग जाएंगे, घर परिवार, माँ बाप, बाल बच्चे पालेंगे। क्या बात है डीएसओ साहब, अच्छी बात कर रहे हैं आप, बढ़िया है। इन विद्यार्थियों को नकल करा के इनका भविष्य बनाएंगे, इस नजरिए से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हो सकता है नकल करके भी किसी का भविष्य बन सकता है। एक बात बताइए, तो फिर ये एग्जाम, इंस्टीट्यूशन, तालीम, डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेनिंग, इन सब का कुछ मतलब होता है या नहीं होता है? ये बच्चे आज नकल का स्वाद चखेंगे और कल जाके डिग्रियां खरीदेंगे, कल यही शिक्षक बनेंगे और अपने जैसे विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे। इनमें से ही कुछ गलत इंजेक्शन लगाएंगे, कमजोर पुल बनाएंगे और हजारों की मौत के जिम्मेदार होंगे। इन्हें नकल की आदत डाल के आपको क्या लगता है सही काम कर रहे हैं? इससे ये खुद का भविष्य तो खराब करेंगे ही, साथ में देश और समाज को भी खोखला कर देंगे। शिक्षा और संस्कार सबका मतलब खत्म हो जाएगा, किताबों का मतलब खत्म हो जाएगा। ये अपराध है डीएसओ साहब, और अफसोस इस बात का है कि ये अपराध आप जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो रहा है जो इस अपराध का मतलब समझता है। चलते हैं। इन्हें नकल की आदत डाल के आपको क्या लगता है सही काम कर रहे हैं? इससे ये खुद का भविष्य तो खराब करेंगे ही, साथ में देश और समाज को भी खोखला कर देंगे। कल यही शिक्षक बनेंगे और अपने जैसे विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे। इनमें से ही कुछ गलत इंजेक्शन लगाएंगे, कमजोर पुल बनाएंगे और हजारों की मौत के जिम्मेदार होंगे। बोलिए दादी माँ। आपको पता है पापा ने ना पहली बार सनराइज बनाया, वो बहुत सुंदर है। सनराइज की पेंटिंग?
मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, ओके? भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेजो। बदले बदले से लग रहे हैं आजकल, पता नहीं कौन सी झंझटों में उलझे हुए हैं, और इनमें ना ये मदर टेरेसा की आत्मा आ चुकी है। बहुत दान पुण्य का काम चल रहा है इन दिनों। आधी से चोरी तो खाली भी हो चुकी है। और गगन गुरु, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बहुत सुंदर माहौल लग रहा है, एकदम हरा भरा। ऐसा लग रहा है जैसे इंसाफ की रेवड़ियां बांटी जा रही है। बांटो बांटो, लेकिन सिर्फ मजबूत और ताकतवर लोगों को ही बांटना। बांटो रे बढ़िया। अरे गगन गुरु, तुम्हारा ही काम चल रहा है, कागज तैयार हो रहा है, पीली कोठी की चाबी भी तुम्हें दे दी जाएगी। अच्छा साले, हमारी मौज लोगे, मार के मुंह पिचका देगा तुम्हारा। समोसे जैसे दिखते हो, हफ्ते में बदल दिए जाओगे, समझे? चलिए चल रहा है भाई। बाबा साहब, ये साला इंजीनियर दुबे के बारे में कुछ ठीक नहीं सुन रहे हैं, हाथ में सच्चाई का मसाला लेके घूम रहा है। बाबा साहब देख लियो, अगर इस बार ये खेल बिगड़ गया ना, तो हम 60-70 करोड़ से निपट जाएंगे। अरे सब जानकारी एमएस दुबे के बारे में, पूरी कुंडली निकाल के रखी हमने इसकी। उड़ने दो, क्या है, बदन को काटने से पहले उसे ढील देनी चाहिए, फिर झटके से काटना चाहिए, समझे? जय हो बाबा की। अरे मान जा कर दे साइन, फ्लैट चाहिए फ्लैट ले लियो, कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए वो बता दे वो ले लियो। नहीं नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, इस पर दस्तखत। अरे यार बहुत ही आउटडेटेड आदमी है बे, हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे दिमाग नाम की वस्तु रखे हो क्यों रखे अपने पास है, या बिल्कुल पैदल हो? अरे बड़ुबाक है, समझते ही। बाबा साहब, हम इसे वापस छोड़ के आ रहे हैं, आप किसी और को कह के उठवा लीजिएगा, फिर जो चाहे कीजिएगा। अरे कहां लेके जा रहे हो इसे? तुम जाओ नंदू। अरे भाई हल्दी दूध लेके आओ, दामाद जी को पिलाओ। अपराध हो गया हमसे, बहुत बड़ा अपराध। कोई पेपर वेपर साइन नहीं करेंगे और केस भी वापस नहीं लेंगे, आप भले ही गोली मार दीजिए भैया, बता रहे हैं आपको। ये रहे आपकी अमानत के कागजात और ये रही चाबी। इतने दिन जो दुख हमने आपको पहुंचाया है, बस उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। जब काम हमने तुमको दिया था तो तुमने बल्लू थापा के हाथ में काहे दे दिया काम? तुम जानते नहीं हो कि इस जीव का नाम है बल्लू थापा? अब इस जंतु को काहे भेज दिया हमारे पास? सड़ांद साला। प्रणाम बाबा जी। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। हाँ हमने सुना ना। एक बात बताओ, ये काम तो ससुराम ने उस्मान को दिया था ना, तुम काहे लपक लिए काम? काहे काम में कोई कोताही तो नहीं की है ना आपके ब्लेसिंग से? 5 गोली मारी इंजीनियर साहब को, और वो तो सीधे गिर गए। अगर उल्टे गिरे होते फर्ज करो एग्जाम पर, तो एक ठाक देते बैक साइड में भी उनके। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भूमिगत हो जाओ, गोवा चले जाओ,
अंडरग्राउंड रहो, वहां पर मार्टिन होगा, उससे बात कर लेना तुम। और सुनिए, आप इनको 10 लाख रुपया दीजिए और जाइए, आप जाके अपनी छुट्टियां उठिया बताइए। बोलिए भैया, गगन गुरु का फोन आया था, बहुत खुश थे, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है प्रोफेसर साहब। आत्मा में एक दिया जला दी हो तुम। हम सुधरेंगे भी, इस भंवर से निकलेंगे भी, और हमें पूरा भरोसा है कि हम पार भी हो जाएंगे। हमें भी पूरा भरोसा है भैया, बिल्कुल होंगे। वो कहा है कि हम अपने हाथ में एक मशीन लिए घूम रहे थे, जो धाएं से आवाज करती है और आदमी ठंडा हो जाता है। जब से ही हमारे हाथ में आई है, हम अपने आप को विधाता समझने लग गए थे, और आज हम इस शस्त्र को गंगा में बहा रहे हैं। भैया, भैया, देखिए, दुबे को मारने में नन्नू और उसके गैंग का हाथ है। हमने उनका घेराव किया था और बोला था कि सरेंडर कर दीजिए, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो जवाब में हमने भी फायरिंग की और उनके 3 गुंडों को मार गिराया। नन्नू अपने 5-7 गुंडों के साथ फरार हो गया है, लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ 9 घंटे में, ओनली 9 आवर्स। सर प्लीज, सर, 3 बत्ती, लाली मिली और बासमंडी, तीनों जगह छापे मारो। सर, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन। छान मारो जी सर, कहीं ना कहीं जरूर मिला। हमारे भाई ने दुबे को नहीं मारा, वो बदल गए थे। कितने व्यापारियों के तो पैसे लौटा दिए, हमारे पास पूरी लिस्ट है सर उसकी। सर देखिए तो, गगन गुरु की पीली कोठी के कागज तक लौटा दिए उन्होंने। सर हमारे भैया सही में बदल गए थे, वो नहीं मार सकते दुबे को। सर आप इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, आप खुद ही सोचिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, घर जाओ, अपने अम्मा के पास बैठो, उनका दिल मजबूत करो एक बड़ी खबर सुनने के लिए, ठीक है? बहुत जल्द आने वाली है वो खबर। अरे, ये कोई तरीका हुआ बात करने का? आइए सर। आपको लग रहा है ये सब करना इतना आसान होगा? है? कानून हम भी जानते हैं। हाथ छोड़िए, गुंडाई ना दिखाओ यहाँ पर। जाओ उधर ढूंढो, तुम लोग उधर जाओ, तुम वहां जाओ। हमारे नन्नू को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे हम दिखाते हैं नन्नू कहाँ है। वहाँ वहाँ उस कमरे में जाओ, सोए हमारे नन्नू। जाइए जाइए, उठाइए उन्हें, जाइए। नहीं है क्या? अरे फिर कहाँ गए हमारे नन्नू? बात करते हैं, हमारे नन्नू छिपने वाले हैं, हैं? घर में दुबक के बैठेंगे हमारे नन्नू? गुड़ खिला के आए हैं क्या इस नौकरी में आप? नन्नू के बारे में जरा भी नहीं जानते? अरे हमारे नन्नू बिल में घुसकर बैठने वाले नहीं, बिल खोद के दुश्मन को बाहर निकालने वाले हैं। कोई नहीं मिला ना? हाँ, निकलो निकलो घर से। अरे निकलो, पुलिस थाना नहीं, हमारा घर है ये। निकलते हो कि नहीं? अम्मा, एक एक को मार के भगा दूंगी। अम्मा संभालो अपने आप को, निकलिए यहाँ से। इन्हें जो उत्पात मचाना है मचा लेने दीजिए, और अगर कोई अनहोनी होती है तो ऐसी आंधी चलेगी ठाकुरगंज में कि छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाएंगे। पापा कहो, पापा आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं। मम्मा, चाचू, दादी सब परेशान है, जल्दी आओ पापा। नन्नू का एरिया हनुमंतगढ़ी दिखा रहा है सर, और ये हनुमंतगढ़ी का एक सरकारी स्कूल है। ओके, तो ये महाशय हनुमंतगढ़ी के एक सरकारी स्कूल में अपनी फौज के साथ छिपे बैठे हैं। ये हनुमंतगढ़ी वो जगह है जो बसी है नन्नू की मेहरबानी से। जी सर, भगवान मानते वहां के लोगों से। वहां घेर कर मारना कोई आसान बात नहीं है। भैया हम तक पहुंचने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी होगी, आसान नहीं होगा।
और हनुमंतगढ़ी का बच्चा बच्चा पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार है। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बता रहे हैं, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम जानते हैं सज्जन सिंह बहुत सियार आदमी है, साला क्या करने वाला है अब हमारी समझ में आ रहा है। जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, बस तुम एक काम करो, तुम सीधा हमारे पास आओ फार्म हाउस पे। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अरे नहीं नहीं नहीं, मंत्री जी ने एक बार कह दिया तो काम तो हो ही जाएगा ना। हम कहा कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती ही रहती है भाई, तो मंत्री जी को कहिए। हाँ दीजिए दीजिए फोन। हाँ 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 जी मंत्री जी नमस्कार जी, हम बाबा बोल रहे हैं, बाबा भंडारी। हाँ अरे नहीं नहीं, आप प्रणाम ना कहें। अरे वो तो सब है ही, आप ये बताइए कि बिटिया का क्या हाल है। हाँ जी भैया, धोखा साथियों को मार गिराया। पुलिस का कहना है कि इंजीनियर दुबे के कत्ल में ननू का हाथ है। आपको मालूम है हमारा एक जवान शहीद हो चुका है और दो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सर ये मुठभेड़ कहाँ हुई थी? गल्ला मंडी में हुई थी, हमने घेराव किया था उनका, हम उन्हें पकड़ने ही गए थे लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में मारे गए।
बेटा ये मशाल। बाबा साहब बंद करो ये अपनी नौटंकी, भैया के नजदीक भी मत आना। रियाज एकलव्य था, जाते जाते दक्षिणा दे गया। क्यों इतना दुखी हो रहा है? जो हुआ उसमें तेरा क्या, किसी का कोई दोष नहीं। शायद तेरे ही भाग्य में दो बेटों का सुख नहीं लिखा। देखो तो एक चला गया तो दूसरा आया। अपने पति के मरने के बाद शरबती देवी काफी तनाव में है। उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। शरबती देवी क्या कहना है आपका इस बारे में? जो हमारे पति के साथ हुआ उसके इंसाफ के लिए हम कानून के कंधों पर टिकने वाले नहीं हैं। जिन्होंने हमारे पति को मारा है हम उन्हें इन्हीं सड़कों पर कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और तब जाके टूटेगी हमारे हाथ की ये चूड़ियां और मिटेगा हमारे माथे का सिंदूर। हम भाभी की बात से सहमत नहीं है। देश में व्यवस्था है, कानून है। हम किसी भी अपराध का जवाब अपराध से नहीं दे सकते। इससे तो हालात और बिगड़ जाएंगे और अगर हम सब लोग ऐसा करेंगे तो देश में सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। हमारी बहू जो कह रही है वही सच है और वैसे ही होना चाहिए। आपके और आपके भाई के बीच में कैसे संबंध थे? आपका परिवार मीडिया से जो कह रहा है उस पर आप अपनी क्या राय देंगे? नन्नू भैया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम दौड़े भी हैं, बड़े भी हैं और कहीं पहुंचे भी हैं। चलना तो उन्होंने ही सिखाया था हमें। सगे भाई थे हमारे, पराए नहीं थे। उनकी मौत का दुख और ये जो सब कुछ हो रहा है उससे हमें और दुख हो रहा है। हम अपने परिवार से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, इस देश में जस्टिस है
और जस्टिस देने वाले लोग भी हैं। हमें सिर्फ भरोसा रखना होगा। सड़कों पे उतर आए हैं और पुलिस वालों को लेके उनके दिल में काफी आक्रोश है। जो सिपाही नन्नू भैया के एनकाउंटर में शामिल था, आज लोगों ने उसका जमकर घेराव किया, पर किसी तरह वो सिपाही यहाँ से बच निकला। तोड़फोड़ करके आग लगा के क्या होगा? तुम्हारा ये सब करने का क्या फायदा? ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सिटी एसपी पुरुषोत्तम पाठक का तबादला हो गया है और उनकी जगह एक नए एसपी सूरज प्रताप राठौर को लाया जा रहा है। पुलिस महकमे में एसपी राठौर की एक बड़ी जगह है। अरे चलो, सही नहीं कर रहे हो। चलो अबे छोड़ो, ज्यादा उछलो मत, कह रहे हो चलो, चलो। नहीं कर रहे हो तुम लोग, अरे छोड़ दो, मत दिखा। ए सर, क्या केस है सर? इन दोनों ने नशा कर रखा था, एक शादी में घुस के औरतों से बदतमीजी कर रहे थे, वहीं से इन दोनों को उठा लाया। ऐसा कुछ भी नहीं, बकवास कर रहा है, औकात में रहो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है? विधायक है, विधायक। बताओगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? तुम्हारा क्या है बे? हमारे पापा एमएलसी हैं। तो बता काहे नहीं रहे हो बे? क्या है बे? हमारे यहां से हवा होने की हवा क्या हो रही? तुम लोग हवा में उड़ने लगे। ले जाओ, बंद कर दो। लक्ष्मण घाट शूटआउट में नन्नू के साथ चार लड़के थे और गल्ला मंडी में जहां उसको मारा गया है वहां पर उसके साथ पांच लड़के थे। सर, घटना में लियाकत शेख और राज जायसवाल घायल हुए हैं और मनीष पॉल शहीद हुए हैं। सर सर, ये उसकी फाइल है। मैं बुलाता हूं। ओके सर। जय हिंद सर। ये एसआई मनीष पाल की 10 दिन की छुट्टी का अप्रूवल दिए थे कि नहीं? सर, उसकी छुट्टी मंजूर हो गई थी। सर, छुट्टी मंजूर हो गई तो उसे ठाकुरगंज काहे भेज दिए? सर, वहां पर नेताजी का दौरा था और हमारे पास सिपाही कम थे। उसकी छुट्टी कैंसिल करवा कर उसे शहीद होने के लिए ठाकुरगंज भेज दिए? सर, वो अपनी ड्यूटी को इतनी अहमियत दे रहा था तो हम क्या कर सकते थे। अच्छा ठीक है। हमारी दुकान साहब मुन्ना शुक्ला कब्जा किए हुए हैं और हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा घर फूंक देंगे। सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। कब तक सब्र रखें? कब तक इंतजार करें इनकी बेटी पर तेजाब डालने का या इनके घर फूंकने का? बस इंतजार करें। अरे हमें तो इंतजार भी नहीं करना है, हमारे भाई पर गलत इल्जाम डाल के उन्हें मार दिया गया। कब से फरियाद लेकर आ रहे हैं? कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई हमारी फरियाद सुनेगा? कोई जिम्मेदार अधिकारी है हमारी बात सुनने क्या के लिए? और कैसी जिम्मेदारी चाहते हैं आप एक सिपाही से? एक सिपाही अपने परिवार का सुख चैन, यहां तक कि अपनी जान तक दे देता है। जो हालात है उसमें सिपाही ही है जो अकेला खर्च हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? कि एक सिपाही अपराधी के घर में जाए, उसे खींच के बाहर लाए और उसे चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जब कोई वारदात या हादसा होता है तो सिपाही उसका पंचनामा बनाता है, एफआईआर दर्ज होती है, सस्पेक्ट को टारगेट किया जाता है, फाइलों का इतना बड़ा पोटला बनाकर अदालत की दहलीज पे रखता है।
फैसला अदालत में होना होता है और अक्सर यह होता है कि कानूनी दाव पेच की वजह से अपराधी छूट जाते हैं। और याद रखिए, जब भी कोई अपराधी छूटता है तो फरियादी बाद में हारता है, सिपाही पहले हारता है, और वो बार बार हारता है, बार बार हारता है सिपाही। और अगर आप सिपाही से किसी चमत्कार या किसी जादू की उम्मीद रखते हैं तो अपने आप को प्लीज धोखे में मत रखिए। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। यादव सर, इन सब की एप्लीकेशन लेके फाइल मेरी टेबल पे पहुंचाओ। यस सर। आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए सर, वीरगंज, रानीखेड़ा, दौलतपुर, घंटाघर, कहीं भी जाने को तैयार हूं मैं। मुझे यहां की मचमच से निकालिए सर, बहुत हो गया। बस आपको पता नहीं है ये नया। तुम्हारी ट्रांसफर का अप्रूवल आ गया, ये रहे ऑर्डर्स। 9 नंबर बहुत लकी है ना तुम्हारे लिए, ठीक 9 दिन बाद तुम्हारी ट्रांसफर है। पर तुम्हारी कुंडली पढ़ने के लिए 9 दिन काफी है मेरे लिए। लावे बाबा जी, ये 5-7 लाख लेते लेते साला अब आप हमें भी अपने गोल्ड स्टार होटल में पार्टनर बना लीजिए, हम भी अपनी रूसी लूसी से शादी कर लेंगे। ऐसे कैसे बात कर रहे हो बाबा से? अरे बोलने दो ना भाई, क्या गलत बोल रहा है? तुम पत्नी के सुख से वंचित रह गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए। इंसान है भाई, है ना, इच्छाएं हैं इसकी भी। अच्छा शादी कर लेगा तो नहाने धोने भी लगेगा। अच्छा एक काम करो, तुम जाके गेस्ट हाउस में आराम करो, हम तुम्हारा कागज बनवाते हैं। लव यू बाबा। ये हाँ बस ठीक है। आप ही हमारे विस्की सोडा एंड ऑल दैट। ओके थैंक यू। अरे सुनो पाठक, ये का कागज बनवाओ भाई, और ये काम सज्जन सिंह ही करेगा। राधे राधे। चल सर, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे अभी कोठी वोठी तो मिल गई गगन गुरु, अभी का है कुत्ते को भी सुखी खिला रहे। कुत्ते नहीं है ये, देवगण है। देवगण यमराज के सिपाही, और जिन लोगों ने नन्नू का दिया बुझाया है उनकी मशाल बुझनी चाहिए। हेलो बाबा साहब ने तुम्हें मारने के लिए सज्जन सिंह को सुपारी दी है। क्या आज तक हम साला सबकी दाएं दाएं करते आए हवाई दाएं, वो भी सरकारी गोली से? अच्छा क्या बेटा तूने हमें खबर दे दी, अच्छा क्या आज तुम्हारी खबर आ रही है। पुलिस अधिकारी सज्जन सिंह की हत्या हो गई है, उनकी लाश रेलवे फाटक के पास बरामद हुई। पुलिस के छोटे बड़े अधिकारी इस घटना पर बोलने बताने से कतरा रहे हैं। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस घटना तो शिकार करने गया था, आगे क्या कार्यवाही करनी है। कदर शिकार हो गया। रिलैक्स राठौड़, इस तरह का कोई पहला केस हैंडल कर रहे हो क्या? कानून और अपने अधिकारों को साथ लेकर जैसा जितना कर सकते हो करो, जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचो। जहां तक नहीं सर, मैं मामले की तह तक पहुंचना चाहूंगा सर। सर इस वक्त जो इस शहर में अपराध का नंगा नाच चल रहा है, पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में है सर। सर इसमें हमारा नाम, काम, शहादत सब दांव पे है सर, और ऐसे मौके पे अगर हम सही खुलासा करके सही दोषियों तक नहीं पहुंच पाए तो सर बहुत बड़ी हार होगी आपकी, हमारी, फोर्स की, पूरे डिपार्टमेंट की सर। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। प्रशासन से हर तरह का सहयोग तुम्हें वक्त पर मिलता रहे, मैं कोशिश करूंगा।
हाँ बोलो। एसपी साहब, बद्री पाठक बोल रहा हूँ। अरे आपके एसआई साहब आए हुए हैं समन लेके। हुजूर इसका मतलब तो समझा दीजिए। अरे काहे इतना सोच रहे हैं, औपचारिकता है, आपको तलब नहीं करेंगे ना। सरकारी आदेश का पालन हो रहा है, एक हस्ताक्षर मार दीजिए, आपका भी काम चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। ऐसी बात है तो किए देते। सर साइन कर दिए हैं। फोन दो उसे। जी हुजूर। समन स्वीकार लिए हो, कल 11 बजे ऑफिस में हाजिरी दो। मतलब कल 11 बजे ऑफिस में हाजिरी दीजिए, समझे? मतलब खेल कर दिए हैं। हम तो कह रहे हैं कि बाबा साहब को फोन लगाइए, वही से अफसर का इलाज कर सकते हैं दादा। तुमसे कहा है ना, ज्ञान जब मांगा जाए तभी दिया करो। जी। लगाओ फोन। किसको? तुम साले कब से बद्री के टेप रिकॉर्डर हो गए हो? नका चाहते क्या तुम लोग? हम अपना धैर्य खो दें, नेताजी को फोन कर दें और गिड़गिड़ाएं उनके सामने कि भैया आओ हमको बचाओ, नहीं तो ये हमारा तंबू उखाड़ देगा। दिमाग खराब करके रखा हुआ। ये एसपी के औकात का है? हाँ मेंढकिया कितनी भी उछके करेगी का, मुंडेर पे आके कथक करने लगेगी का? नहीं ना। अपना ख्याल रखना। बाय। वो देख, अच्छा जोड़ीदार मिला है, बिना शादी के ही सारी सेवाएं दे रहा है। ये भाई थोड़ा संभल के बोलो, बाहुबली कराने की बहू बनने वाली है। साथ रहोगे तो लोग तो बातें करेंगे ही, और फिर शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो जाती तो कम से बाबा फेरे और मंगलसूत्र ये सब कुछ होता है क्या? हम दोनों ने एक दूसरे को मन से स्वीकारा हुआ है, साथ जिंदगी जीने का मन बनाया है। मनु और उसका परिवार अभी दुख और तकलीफों में है, ऐसे में हम कैसे उनका साथ छोड़ दे किनारा कर लें? अभी अभी खबर आ रही है कि लाल चौक के पास जगदम्बा कंस्ट्रक्शंस के मालिक बद्री पाठक की हत्या हो गई है। पुलिस इस हत्या को सज्जन सिंह के हत्या के साथ जोड़कर देख रही है। उनका कहना ये है कि हो सकता है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही अपराधी का हाथ हो। बाबा आप समझ नहीं रहे, एक अपराधी ने 3 दिन में एक पुलिस अधिकारी और बद्री पाठक की हत्या की है, और ये अपराधी अपराध की दुनिया का कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे साथ तालमेल बना के रखिए, कल खुदा ना खास्ता कोई गोली आपका ठिकाना ढूंढते हुए आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी ना, तो आप और गोली के बीच में पुलिस ही आएगी, समझ रहे हैं ना आप? देवर जी, मैं उनके कपड़े देती हूं। मुन्नू, इसे हमेशा अपने पास रखना, बड़े मजार वाले बाबा का है, ये तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हारे मन की हर चाहत पूरी करेगा। सब खड़े हो जाओ, ये लोग हैं सर। सर क्या चल रहा है ये सब?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। पहले सज्जन सिंह, अब बत्री पाठक, ऐसे ही करके किताब का एक एक पन्ना फटता रहेगा और पता ही नहीं चलेगा कि किताब थी क्या। सर, सच्चाई और ईमानदारी से अगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचना है तो बंद कीजिए ना ये सब तमाशा। तमाशा नहीं चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। हम एक शूटर बल्लू थापा को ढूंढ रहे हैं। इसी बल्लू थापा ने दुबे को मारा और इसी बल्लू थापा ने सज्जन सिंह और पाठक को मारा। और अब आप इसी बल्लू थापा को मारकर ये केस रफा दफा कर देना चाहते हैं। आसान है ना सर, बल्लू थापा मर गया तो फाइल बंद। सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, सच्चाई वो है जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। बल्लू थापा का बाबा भंडारी, पाठक और सज्जन सिंह के साथ डिस्प्यूट हुआ और ये सब जो चल रहा है ना, उसी का नतीजा है। और जब तक बल्लू थापा पकड़ा नहीं जाता, इस केस की सच्चाई तक हम पहुंच नहीं सकते। और उसे पकड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं हम, समझते हैं आप? एसपी राठौर ने इस बात का खुलासा किया है कि शहर में चल रही इन वारदातों के पीछे शूटर बल्लू थापा का हाथ है। और अगर पुलिस की माने तो बल्लू थापा बाबा भंडारी के लिए भी खतरा बना हुआ है। अब देखना ये है कि पुलिस बाबा भंडारी को बल्लू थापा से बचा पाती है या फिर बल्लू थापा किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। ये क्या नई नौटंकी चालू हो गई है राठौड़? अब रात में घर में घुसा है तुम? रात में घर में घुसा है बाबा आपको मुसीबत से निकालने के लिए। ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होने जा रहा है और जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर ये आप और हमारे बीच में रहे तो आप ही का फायदा है। इसीलिए कल सुबह कोर्ट में दो चार पेपर्स डलवाकर इस ऑर्डर को रुकवाना चाह रहा हूं। कुछ सरकारी कागजात हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दीजिए। पूछ सकते हैं मेहरबानी हम पे का है? ये मेहरबानी आप पे नहीं कर रहा हूं। जब पुलिस के हाथ से फाइल लेके सीबीआई को सौंप दी जाती है ना, तो पुलिस का मनोबल गिरता है। मैं अपना मनोबल बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। हस्ताक्षर कीजिए बाबा। बाबा मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आप साइन ना ही करें। नहीं, ठीक है, बेहतर है अगर केस इन्हीं के पास रहे। इनका कहा है, इनसे तो कभी भी निपट लिया जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बाबा भंडारी का अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया है और अब कभी भी बाबा भंडारी की गिरफ्तारी हो सकती है। एसपी राठौर ने इस खबर की पुष्टि खुद की है। अरे तुम लोग मुंह किसका देख रहे हो यार, आओ जल्दी, भागो जल्दी से। कौन सा मुहूर्त होगा आप लोगों के लिए, कोई टाइम बताना पड़ेगा क्या? जल्दी निकलिए, जल्दी करो, मुंह क्या देख रहे हो? बाबा साहब लेट हो रहे हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी चलो। अरे जान बचाइए, पुलिस आ रही है। अरे क्या जान बचाए हम, साला कोई भूकंप आ गया है क्या? काहे डाल रहे हो हमारे मन में पुलिस का डर है? बाबा साहब एसपी चुगी राके तक आ चुका है, वो यहाँ पहुंचने ही वाला है। चलिए। अरे तो तुम चलो ना पहले। अरे बाबा साहब इधर ही से आ रहा है, पीछे की तरफ से निकल चलिए, पीछे गाड़ी तैयार खड़ी है। चुप करो साले एसपी, अब तुम हमरी बात सुनो, समझ गए ने? भेड़ के छत्ते में हाथ डाले हो तुम बेटा, हम बता रहे हैं तुमका काट काट के तुम्हारा मुंह ना सजा दिया हमने, तो देख लेना हमारा नाम बदल देना साले। तुम साले समझते क्या हो अपने आप को? इतना झिलाएंगे बेटा तुमको, इतना झिलाएंगे कि तुम ये अफसोस करोगे जिंदगी भर कि पैदा काहे हुए तुम, और पैदा हो गए तो साला बाबा भंडारी से कैसे मिले तुम? अरे तू का समझता है बेटा, तू का समझता है जिंदगी में क्या कर लेगा तू? अरे हम अपनी बिटिया को नहीं छोड़े साले, तुमको क्या छोड़ेंगे? तुम तो हो किस खेत की मूली, गोली मार मार के छेद करेंगे तुम्हारे बदन के हर कोने पे, समझ गए ना? अब बोलो बेटा कैसा लग रहा है?
हेलो 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 अरे ये साला जवाब काहे नहीं दे रहा फोन के अंदर। बाबा साहब फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। अरे साला दिए काहे तुम हमको एक बैटरी खत्म हो गई तो कुछ नहीं कर सकते बाबा साहब। मार दोगे क्या? बिल्कुल उसको। अरे साला बिना बैटरी का फोन देके गया हमको। अरे तो क्या हो गया? कुछ स्थिति समझ रहे हैं आप आजकल क्या हो रहा है? बल्लू थापा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कभी ध्यान दिया इस बात का? अरे बाबा अगर जिंदगी बचानी है ना तो मेरी कहा मानो, सरेंडर कर दो। बुद्धि से काम लो बाबा भंडारी, पुलिस से छिटकोगे तो सीधा बल्लू थापा की गोद में जाके गिरोगे। इसलिए भला चाहते हो तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। हाँ एक और बात, जिस भी भगवान को मानते हो उसकी माला जपो कि हमारे पहुंचने से पहले कहीं बल्लू थापा ना पहुंच जाए। वहां हम आ रहे हैं। बाबा वो आ गया। अरे कौन आ गया? वो बिलाल अपनी गाड़ी लेकर आ गया। साले एक बार में पूरा सेंटेंस बोला करो बिना पॉज के, समझ गए? नहीं जी, जी, जी। इतने साल में कैरेक्टर नहीं सुधार सके, कम से कम भाषा तो सुधारो। और हमारा मुंह का देख रहे हो, जाओ यहां से। अरे यादव साले तुम फोन काहे नहीं उठा रहे थे भाई? क्या हुआ? बैठो। देखो ऐसा का है इस दुनिया में जो बातचीत करके सुलझाया ना जा सके। बैठो ना। तुमका मालूम है ये सब किसका करा धरा है? वो बद्री पाठक और सज्जन सिंह का। ने बहुत अच्छा किया तुम उनका मार दिए। साला ये लोग पैसा के लिए अपनी मां का चीर हरण करवा दें तो नहीं बहुत, हम तो कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। गलती हमारी भी थी, हम क्या करें भाई, हम भोले भाले आदमी, हम नहीं पल्ले पड़ा हमके। पर अब लंका कांड खत्म हो गया, हम दोनों बढ़ेंगे अब सुंदर कांड की तरफ एक साथ, है ना? है भाई हमारी गलती, हम क्या करें अपनी बिटिया की हत्या के बाद हमको अफसोस कम हुआ और हमारा अहंकार हमारे ऊपर ज्यादा चढ़ गया। वो जड आदमी हम गवार हैं, नहीं समझ पाए। पर तुम का हो गया भाई? तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, तुम कैसे एहसान फरामोश हो गए बचुआ? हाँ भूल गए का औकात थी तुम लोगों की? हाँ कहाँ से कहाँ पहुंचाया हमने तुम लोगों को, तुम्हारे भाई को शरण देके? ये सब जो इतना पढ़ाई लिखाई किए तुम, किसके टुकड़ों पे पलके भूल गए तुम? हाँ अरे मूर्ख था तेरा भाई, जाने किसके कहने पे आ गया, उसकी सजा उसको खुद। अगर सोचना भी नहीं साले, यहीं काट के गाड़ देंगे और तेरे घर वालों को देंगे। तुम जैसे लोग हमारे देश की नस्ल को बर्बाद करते हैं।
गुजर जाओ कुछ। हेलो सर, बल्लू थापा को महाराजगंज के चेकनाके पे देखा गया है और एक यूनिट उसकी तरफ रवाना हो गई है। मैं भी उधर जा रहा हूँ। मुझे रिपोर्ट करते रहना। पाठक, ये महाराजगंज कितनी दूर है यहाँ से? सर करीब 37 किलोमीटर। पाठक, ये 12 मिनट पहले बाबा भंडारी से हमारी फोन पे बात हुई है। जी सर। और उसके बाद बाबा भंडारी की हत्या। सर। तो यहां से 37 किलोमीटर दूर 12 मिनट में ये बल्लू थापा कैसे पहुंच गया महाराजगंज? हेलो, किसी भी हालत में बल्लू थापा को गोली नहीं मारनी है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। यूनिट कौन लीड कर रहा है? एसआई 24 सर। उन तक ये मैसेज पहुंचाओ, मैं पहुंच रहा हूं जल्दी से। ओके सिर्फ इतनी है सर कि हम सच्चाई को किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बस एक बार ये बात दिमाग से निकल जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। पहले सज्जन सिंह, अब बद्री पाठक, एक एक करके किताब के सारे पन्ने ऐसे ही फटते रहेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि किताब थी क्या। ये काम बल्लू थापा ने किया है। बल्लू थापा ने ही पाठक और सज्जन सिंह को मारा है। मैंने जो किया वो अपने लिए किया सर, शायद वो मेरी अपनी जरूरत थी सर। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुन्नू को जीने का, अपने परिवार का ध्यान रखने का, अपने परिवार को पालने का, अपनी एजुकेशन सर्विस को कंटिन्यू रखने का पूरा अधिकार है सर। सर मैं तो चाहकर भी उसे अपराधी नहीं मान पाया सर। उसने ठाकुरगंज को दर्द और पीड़ा से छुटकारा दिलवाया सर। और सच कहूं तो वो हमारा काम था सर। मुझे नहीं लगता है सर कि मैं इस सफर को आगे और बढ़ा पाऊंगा सर। ये क्या? मेरा रेजिग्नेशन सर। आपके सवाल किस उलझन में गिरे हैं देवर जी? आपने जो किया वो जरूरी था बेटा। किसी के हाथों तो इस शहर का उद्धार होना ही था। ऊपर वाले ने तुझे इस काम के लिए चुन लिया। जहां बुराई के बगीचे हैं वहां उन्हें तबाह करने के लिए आंधियां भी तो होती हैं।
पसंद है मुझको सोबत तेरी बदली बदली सी क्यों लगती है मुझको आदत मेरी किसी डोर चले